थैंक्स। वेलकम टू सोनी विजन लीगल चैनल। मैं हूं भावप्रे सिंह सोनी, पार्टनर सोनी विजन कॉर्पोरेट्स एलएलपी। आज मैं आपको बताऊंगा पूरी दुनिया के अंदर लाइसेंसिंग इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, कार्टून एनिमे इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे इस इंडस्ट्री में पैसा बनता है। देखिए फ्रेंड्स, 2023 में कार्टून और एनिमे इंडस्ट्री $400 बिलियन की थी और 2023 में ये $300 बिलियन के आसपास थी और आने वाले टाइम में 2026 में ये इंडस्ट्री $600 बिलियन की होने वाली है और बहुत तेजी से मार्केट ग्रो कर रहा है। देखिए इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से कार्टून्स आते हैं जो आप सोच रहे होंगे। डोरेमोन आपने देखा होगा बचपन में, सिंचन देखा होगा, टार्जन देखा होगा, निंजा रोडी देखा होगा, टॉम एंड जेरी देखा होगा, छोटा भीम देखा होगा। अब आप सोचते होंगे बचपन में कि ये तो हम फ्री में देख रहे हैं, ये ब्रांड पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि हम तो जो चैनल ऑपरेटर हैं उनको बहुत 300-400 रुपए देते हैं, तो क्या कंपनी सही में इनसे इतना पैसा कमा पाती है। फ्रेंड्स, जो इन कलेक्टर्स को बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं, इनका कॉपीराइट लेते हैं, वो इनसे करोड़ों अरबों में पैसा कमाते हैं। इसका एक अलग ही बिजनेस मॉडल है इस दुनिया का। क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी दुनिया के सबसे अमीर कार्टूनिस्ट थे, जिन्होंने मिक्की माउस को बनाया था, उनकी कुल संपत्ति $5 बिलियन से भी ज़्यादा थी और अगर आज के टाइम में वो जिंदा होते ना तो वो जेफ बेजोस मुकेश अंबानी को टक्कर दे रहे होते। देखो फ्रेंड्स, एनिमे इंडस्ट्री, कार्टून इंडस्ट्री, एनिमेशन ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम मोबाइल में जाता है, घर में बच्चों को देखना, यूट्यूब पर कार्टून, टी वी पर कार्टून, हर जगह कार्टून छा चुके हैं। और क्या आपको पता है 2019 में लायन किंग जो मूवी आई थी उसने $1.6 बिलियन का प्रॉफिट करा था, अपना बॉलीवुड एक तरफ, लायन किंग एक तरफ। तो इतना पैसा ये इंडस्ट्री बना के देती है। अब मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट इस इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, कार्टून करेक्टर्स बना रहे हैं। देखिए इस इंडस्ट्री में पैसा बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा कार्टून होना चाहिए, जैसे डोरेमोन, सिंचन, ये सब चलता है ना यूट्यूब पर देखना। अब इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स आ गए, वो क्या कर रहे हैं, अच्छे एनिमेशन के साथ कार्टून्स को लेकर आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, टीवी पे नहीं चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, वहाँ जैसे ही वो फेमस हो रहे हैं अपने कॉपीराइट्स को सेल आउट करते जा रहे हैं डॉलर्स के अंदर। अब देखिए जब आपके पास किसी का लाइसेंस होता है, कॉपीराइट होता है ना, उसको यूज़ कैसे करा जाता है, मोनेटाइज कैसे करा जाता है, क्योंकि कार्टून से पैसा बनेगा कैसे, एक तो यूट्यूब से एड से पैसा बन जाएगा, टीवी आपको स्ट्रीमिंग का पैसा दे देगा उससे पैसा बन जाएगा, और पैसा कैसे बनता है देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो आप कप्स पे, मग्स पे, बैग्स पे फोटोज देखते हो ना मिक्की माउस की, टॉम एंड जेरी की, वहाँ से ये ब्रांड चार्ज करते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है वो बैग बनाने की फैक्ट्री उनके पास, अब एक बैग बनाने की कॉस्टिंग उनकी 300-200 रुपये, 300 रुपये हमें एवरेज पकड़ते हैं। अब 300 रुपये का अगर वो बैग बना रहे हैं ना और उनको बैग, उस बैग के ऊपर उनको मिक्की माउस या टॉम एंड जेरी की फ़ोटो चाहिए, तो एक फ़ोटो प्रिंट करने का जहाँ पे सारा काम फैक्ट्री वाले का है, उनको जो कॉपीराइट होल्डर है मतलब कंपनी है पैसा देना पड़ता है। कई बार कंपनी लमसम चार्ज करती है कि आप हमसे 100 करोड़ दो, आप कितने बैग एक साल में बनाओ मतलब नहीं है, या फिर आप हमें पर बैग, ये काफ़ी अच्छा मॉडल है मार्केट के अंदर, पर बैग मार्केट के हिसाब से हमें 400 रुपये दो, उसके अंदर आप 1 लाख बैग बनाओ, 10 लाख बैग बनाओ, 20 लाख बनाओ, आपके ऊपर है, पर बैग हमें 400 रुपये दे देना, हम आपको हमारे कॉपीराइट का लाइसेंस दे रहे हैं। अब देखिए कंपनीज एंड ब्रांड्स क्यों छापते हैं टॉम एंड जेरी कार्टून के, डोरेमोन के फोटोज़, क्योंकि आज के टाइम में जब बच्चे मार्केट में जाते हैं ना तो उससे रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। एक नॉर्मल बैग है 300-400 रुपये का, उस पर कोई फोटो नहीं है, और एक वहीं पर दूसरा बैग है जहाँ पर टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, चिनचैन इस सब की फ़ोटो लगी हुई है, फटाफट बच्चा उसी बैग को उठाएगा और जो बैग 300 रुपये का नॉर्मल बिक रहा था ना मार्केट के अंदर, फोटो लगने के बाद वो 300 रुपये का बैग 2,000, 2,500, 5,000 तक के बिकते हैं। अब मैं काफ़ी सारे ऑनलाइन सेलर्स को भी देखता हूँ जो खुद की वेबसाइट बना के डोरेमोन, छिनचैन, नोबिता हर एक के करेक्टर्स को यूज़ करते हैं, ड्रैगन बॉल जी तक के करेक्टर्स को यूज़ करते हैं। देखो ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपने इन कंपनी से लाइसेंस नहीं लिया है और आपका ब्रांड किसी दिन फेमस हो गया, वेबसाइट वायरल हो गई, इन ब्रांड्स के आप नज़र में आ गए, ये कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं, तुरंत आपको लीगल नोटिस भेजेगी, आप पे केस फाइल करेगी और आपको बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। देखिए काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो इन्हीं सब चक्करों के अंदर पड़े थे और लेटर ऑन फंस गए, शुरुआत में सब पैसा बनाते हैं, क्योंकि बड़ी ब्रांड्स ऐसा नहीं है कि मार्केट में एकदम इन टैप जाएगी, वो उसी को टैप करते जो मार्केट में ऊपर उठ रहा होता है, उनको दिखता है कि भाई हमारा कॉपीराइट यूज़ हो रहा है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। तो इसलिए शुरुआत से कॉपीराइट को समझो कि किसी के भी रजिस्टर्ड कॉपीराइट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आगे जाके इस वीडियो में पब्लिक डोमेन के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉपीराइट्स आप यूज़ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा पब्लिक डोमेन के बारे में बताता हूँ आपको और कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट एक्ट कहता है कि जो क्रिएटर है ना
उसके लाइफ टाइम तक कोई उसके क्रिएटर क्रिएशन को यूज़ नहीं कर सकता, और आफ्टर इज डेथ 60 ईयर्स तक भी कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। जब एक टाइम पीरियड निकल जाता है ना आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर और क्रिएटर, उसके 60 साल बाद आप उस कॉपीराइट को यूज़ कर सकते हो, वो आ जाता है पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है दुनिया में कोई भी उसको यूज़ करेगा, कहीं आपको रॉयल्टी देने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो इस समय पब्लिक डोमेन के अंदर है, और एक टाइम पर उन्होंने उनके ओनर्स को अरबों करोड़ रुपए कमा के दिए। जैसे एक फेमस कार्टून था वंडरलैंड, जिसको 1865 में क्रिएट करा गया था, और आज ये कार्टून पब्लिक डोमेन में, आराम से इसको यूज करो। जब ये अपने ओनर के पास था उस टाइम इसने $7 बिलियन का रेवेन्यू अपने क्रिएटरों को कमा के दिया था। स्नो व्हाइट, सिंड्रेला, आप सबने देखा होगा, ये भी पब्लिक डोमेन में समय आ चुका है। जी हाँ, और इसने कुल $9 बिलियन का रेवेन्यू अलग अलग सोर्सेज से अपने क्रिएटर को कमा के दिया था। टार्जन, इंडिया में मूवी भी आई थी टार्जन द वंडर कार, टार्जन भी काफ़ी फेमस क्रिएटर है, इसने $1 बिलियन का रेवेन्यू अपने क्रिएटर्स को कमा के दिया था, और आज ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। और पीटर पैन एक बहुत फेमस कार्टून है, अगर बच्चे देखते हो बड़े देखते हो, $6 बिलियन का रेवेन्यू उन्होंने कमा के दिया था, और ये भी पब्लिक डोमेन के अंदर आ चुके हैं। मिक्की माउस, इसने आज तक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अपने क्रिएटर्स को कमा के दिया है, अराउंड $90 बिलियन का, और ये भी बहुत ही जल्द पब्लिक डोमेन में आने वाला है। विन्नी द पू, इसने भी $60 बिलियन का रेवेन्यू अपने लाइफ टाइम में कमा के दिया था, और ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, बट इसके क्रिएटर्स ने वापस एक ट्रेडमार्क फाइल करा था, जिसके चलते वापस कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ट्रेडमार्क एक ब्रांड एक कंपनी को लाइफ टाइम तक के लिए मिलता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। अगर एप्पल के पास उसके लोगो का ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क कभी एक्सपायर नहीं होता, हर 10 साल में उसका रिन्यूअल होता है। बस कॉपीराइट की लाइफ 60 ईयर्स तक होती है, ट्रेडमार्क की कोई लाइफ नहीं होती, उसको रिन्यू करवाते जाओ वो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। इसलिए टाटा, रिलायंस, बिरला, 200 साल पुरानी कंपनियां भी आज भी अपने ट्रेडमार्क को बिना किसी दिक्कत के यूज कर रही है। शेरलॉक होम्स 1887 में इसको क्रिएट करा गया था, और 1 जनवरी 2023 में, जस्ट एक साल पहले ही, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, और इससे हमने क्रिएटर को $6 बिलियन का रेवेन्यू कमा के दिया था। जिन मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, उनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई रॉयल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ कुछ ऐसे कार्टून है जो आज फेमस है, जैसे सुपरमैन हो गया, उसने $25 बिलियन का रेवेन्यू कमा के दिया। बैटमैन हो गया, उसने $40 बिलियन का रेवेन्यू कमा के दिया। ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये 10-15 साल और लगेंगे उनको पब्लिक डोमेन में आने में। जेम्स बॉन्ड फेमस करेक्टर है, इसकी बुक भी बहुत फेमस है, इन्होंने $25 बिलियन का रेवेन्यू कमा के दिया अपने क्रिएटर्स को। ये भी इस समय अपने पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको कार्टून करेक्टर्स के बारे में जानना है, ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से कार्टून करेक्टर्स इस समय पब्लिक डोमेन के अंदर है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर आपको कार्टून एनिमेशन इन सबसे पैसा कमाना है, पहली चीज़ आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास लाइसेंसिंग के एग्रीमेंट्स होने चाहिए। अगर आप किसी को अपने सारे कॉपीराइट लाइसेंस के ऊपर दे रहे हो, तो लेटर ऑन आपको काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं कि आपने मेहनत करी, कॉपीराइट क्रिएट करा, किसी ने एग्रीमेंट आपका ब्रीच करा, और विदाउट गिविंग यू रॉयल्टी मनी वो फ्री में आपके करेक्टर्स को यूज़ कर रहा है। इसीलिए अगर आप कुछ भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसके एविडेंस जमा करो कि मैंने इसको क्रिएट करा है। सोर्स कोड आपके पीसी में होता है, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर से उसको बनाते हो, वहाँ से आप डॉक फाइल को अपने प्रिजर्व कर सकते हो, जो भी एक फाइल होती है इनके कि हमने इसको क्रिएट करा है, उसके बाद तुरंत इसका कॉपीराइट फाइल करो, जिससे आपके नाम पे ये कॉपीराइट करेक्टर रजिस्टर्ड हो जाए, कॉपीराइट के वर्क को आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है कार्टून से रिलेटेड, कॉपीराइट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो पब्लिक डोमेन्स के बारे में, कॉपीराइट्स के बारे में, कार्टून्स के बारे में, करेक्टर्स के बारे में, कि कैसे इनका कॉपीराइट मिलता है, एनिमेशंस कैसे वर्क करते हैं, पूरा एनिमेटेड वीडियो का कॉपीराइट कैसे मिलता है, और एक मूवी में जो एनिमेटेड होती है उसमें किन किन चीज़ों का कॉपीराइट फाइलिंग जरूरी होती है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर इस नंबर के ऊपर डायरेक्टली व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरी लिंक्डइन आईडी है, यहाँ पे मेरे को डीएम करके मैसेज करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।